आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। भले ही एसएन मेडिकल कॉलेज की सामान्य ओपीडी सेवा बहाल होने से बड़ी संख्या में मरीजों को राहत मिली हो, लेकिन सीमित समय सीमा के चलते काफी संख्या में लोग ओपीडी के पंजीकरण काउंटर पर अपना पंजीकरण भी नहीं करा पाए। तस्वीरों में आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा एसएन मेडिकल कॉलेज के सामने ओपीडी सेवा बहाल करने के बाद का है, जहां समय सीमा सीमित होने के चलते बड़ी संख्या में लोग पंजीकरण काउंटर पर अपना पंजीकरण तक नहीं करा पाए। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों से आए मरीज और उनके तीमारदार वहां मौजूद एसएन मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों से मिन्नतें करते हुए नजर आए। बावजूद इसके उनकी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आई। एक बुजुर्ग महिला अपने नाती को दिखाने के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में पंजीकरण कराने के लिए सुबह 10 बजे से लाइन में लगी रही। जब बुजुर्ग महिला का नंबर आया तब पंजीकरण की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद बुजुर्ग महिला झुकी हुई कमर के साथ इधर से उधर भटकती हुई नजर आई। इस दौरान महिला ने वहां मौजूद कर्मचारियों से भी मदद की गुहार लगाई, मगर ये गुहार भी बेअसर नजर आई। इसके बाद बुजुर्ग महिला थक हार कर वहां मौजूद एक चेयर पर जाकर बैठ गई। बुजुर्ग महिला का कहना है कि वह काफी दूर से आई थी, साथ ही बच्चे भी छोटे हैं और कुछ समय पहले ही इन बच्चों की मां भी गुजर चुकी है। ऐसे में इन हालातों में आर्थिक तंगी के चलते वह बच्चों का इलाज किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं करवा पा रही है, लेकिन एक बार फिर ओपीडी सेवा बहाल होने से बच्चों के इलाज की उम्मीद फिर से जग उठी है। लेकिन एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी की समय सीमा सीमित होने के चलते एक बार फिर बुजुर्ग महिला उदास होती हुई नजर आई। डॉक्टर ने ऑपरेशन कही कि एक महीना के बाद ऑपरेशन करेंगे, लेकिन इसको पहले ओपीडी का पहला दिन है, यहां तो पर्चा बन गया अब तक पर्चा नहीं बना रहे हैं, मुझे पता चला नहीं जाए पहले से इलाज हो रहा है। हाँ नहीं, इलाज की मैंने कर दी उनने। नहीं अभी ये तो ये पर्चा बना नहीं बना नहीं बना है। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अब पर्चा बंद है, गई हम मुँह पे चलो ना जा बेटा। अब कल फिर आएंगी? अब चला नहीं जा रहा है, ये बच्ची है भेजाऊंगी। पर्चे बनवा रहे थे, वो कह रहे थे 11 बजे तक का टाइम है, धक्के मार मार के भगा रहे हैं यहाँ से। पर्चे भी नहीं बना रहे हैं और बहुत दिक्कत हो रही है, गमोरी हो गई। वही यहाँ के कस्टमर नहीं को मालूम है, मेडिकल वालों को उनको ये पर्चा बनाते हैं के चलो भैया क्या अब यहाँ पे है नहीं है। 3-4 लोग थे वो भैया फोटो भी खींच रहे हैं ना, उन्हें मालूम है वो धक्का मार रहे थे। 3 लोग थे, बैट शर्ट पहने हुए थे, तीनों ने धक्का मार मार के भगा दिए। चलो यहाँ पे नहीं है, अब नहीं बनने पर्चे। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी की शुरुआती दौर में यह इकलौती परेशान महिला नहीं थी। ओपीडी के दौरान काफी मरीज ऐसे थे जिनके पंजीकरण तक नहीं हो सके। इनमें से कुछ मरीज तो दूर दराज के क्षेत्रों से आए थे, ऐसे में पंजीकरण ना होने के चलते वह चिकित्सकों से परामर्श भी नहीं ले सके। हालांकि सामान्य ओपीडी सेवा के दौरान मौजूद अधिकारियों का कहना था कि आने वाले दिनों में बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए संभावनाएं हैं कि ओपीडी की समय सीमा बढ़ा दी जाए, लेकिन जरूरी है कि कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावनाओं को भी गंभीरता से लिया जाए। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।